गाइस वेलकम टू टेक एक्सपर्ट। फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिक की नई दुनिया में। दोस्तों जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन अपग्रेड होती जा रही है। दोस्तों पहले की बाइक और आज की बाइक में काफी अंतर देखने को मिलता है क्योंकि अब दुनिया इलेक्ट्रिक होने वाली है। 2020 अब इलेक्ट्रिक बाइक से ही चलेगा। कहने का मतलब यह है कि कई बड़ी कार या बाइक निर्माता कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं टॉप 3 इलेक्ट्रिक बाइक जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं रंबल की घासू इलेक्ट्रिक बाइक से। दोस्तों रंबल मोटर्स ने इस बाइक को दूसरी बाइकों से काफी अलग डिजाइन किया गया है। रंबल की डिजाइन और आकार कैफे रेसर बाइक से काफी मिलता जुलता है। दोस्तों रंबल एक इलेक्ट्रिक बाइक है जिसमें 60 वोल्टेज और 20 एच की लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो 2000 वाट की हब वोन मोटर को पावर देती है। रेंज की बात की जाए तो इस बाइक की रेंज 70 किलोमीटर है, यानी कि इस बाइक को एक बार फुल चार्ज करके 70 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप चलाया जा सकता है। चार्जिंग समय की बात की जाए तो इस बाइक की बैटरी को 3 से 5 घंटे के समय में फुल चार्ज किया जा सकता है। फिलहाल ये बाइक सिर्फ ब्लैक कलर में अवेलेबल है। 105 किलोग्राम वेट वाली ये बाइक की लंबाई 1800 मिलीमीटर, चौड़ाई 460 मिलीमीटर और ऊंचाई 860 मिलीमीटर के साथ साथ 1250 मिलीमीटर व्हील बेस के साथ आती है रंबल बाइक। रंबल बाइक इलेक्ट्रिक होने की वजह से आप इसे 65 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप राइड ले सकते हो। नंबर 2 पर है एरोकिट लिमिटेड एडिशन। एरोकिट की इस बाइक को कंपनी ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे आप पेडल और इलेक्ट्रिक दोनों से चला सकते हो। दोस्तों ये दुनिया की सभी बाइकों से अलग है क्योंकि इसमें खास है पेडल, क्योंकि इलेक्ट्रिक के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हो। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एरोकिट बाइक में आपको 52 वोल्टेज की लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो 16 किलोवाट की मोटर को पावर देती है। रेंज की बात की जाए तो इस बाइक की रेंज 120 किलोमीटर है, यानी कि इस बाइक को एक बार फुल चार्ज करके 120 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप चलाया जा सकता है। चार्जिंग समय की बात की जाए तो इस बाइक की बैटरी को 3 घंटे के समय में फुल चार्ज किया जा सकता है। और आप इस बाइक को 3 डिफॉल्ट कलर्स में आप चॉइस कर सकते हो। चेचिस में एल्यूमिनियम फ्रेम दी गई है जो कई कमाल की लग रही है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस बाइक में आपको फ्रंट में 300 mm डिस्क ब्रेक, 4 पिस्टन रेडियल माउंट कैलिपर और रियर में 220 mm डिस्क ब्रेक, 2 पिस्टन कैलिपर दिया गया है। 120 किलोग्राम वेट वाली इस बाइक को आप 88 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ा सकते हो। फीचर की बात करें तो इस बाइक में आपको मिलने वाला है पेडल राइडिंग, साइड स्टैंड, मॉडर्न एलईडी लाइटिंग, लाइट एलो रिम्स जैसे कमाल के फीचर दिए गए हैं। नंबर 3 पर है BMW विजन डीसी रोडस्टर। दोस्तों BMW एक जीता जागता नाम है कार के लिए, लेकिन वो अब हाथ आजमा रही है बाइक में। BMW एक ऐसी बाइक लेकर आए हैं जिससे आप देखते रह जाओगे। BMW ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डिजाइन में शायद सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया है क्योंकि कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक बाइक को नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार किया गया है जिसमें किस तरह से इस बाइक के इंजन को साइलेंट किया जाए, यानी कंपनी इस बाइक पर बारीकी से काम कर रही है और सारी चीजें डेवलप कर रही है, यानी इस बाइक पर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। विजन डीसी रोस्टर का टोटलिंग वेट कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी से कम किया गया है। विजन डीसी रोस्टर के टायरों को मेटजेलर द्वारा बनाया गया है। दूसरी बाइक लिथियम आयन बैटरी के साथ आती है और एक गैस सिलेंडर की तरह एक मोटर दी गई है जो इस बाइक को पावर पहुंचाती है। दोस्तों विजन डीसी रोस्टर एक इलेक्ट्रिक बाइक है इसलिए कोई फ्यूल टैंक नहीं है। BMW की इस बाइक में चारों तरफ एल्यूमिनियम की फ्रेम लगी हुई है और सिर्फ एक ही कंफर्टेबल सीट दी गई है। BMW में आगे की साइड LED हेडलाइट और पीछे की साइड टेल लाइट दी गई है। इसके अलावा इस बाइक में
एक फ्लैट पतले पतले ट्यूबलर दिए गए हैं और साथ में एल्यूमिनियम फ्रेम के बीच में एक बड़ी बैटरी है जिसके लेटरली प्रोट्रूडिंग कूलिंग सिस्टम है। दोस्तों इस बाइक की एक खास बात यह है कि BMW की इलेक्ट्रिक मोटर शुरू होने पर थोड़ा बाहर निकल जाते हैं जो काफी कमाल का लगता है। तो दोस्तों ये थी टॉप 3 इलेक्ट्रिक बाइक। आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली है इलेक्ट्रिक की दुनिया। टेक केयर, बाय।